नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भूस्खलन की घटना अचानक बढ़ गई है, जिससे पूरे राज्य में काफी नुकसान हुआ है। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मंडी के थुनाग बाजार में बारिश का पहाड़ियों से सड़क पर पानी बहता दिख रहा है। बारिश के गंदे पानी के साथ बहकर आए पेड़ के विशाल हिस्सों ने मंडी जिले के आनुयार गांव के थुनाग बाजार में कई घरों को और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस वीडियो में थुनाग बाजार में बारिश की वजह से हुए भयावह मंजर को देखा जा सकता है, जिसने घर पेड़ सब बहते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र में भारी बारिश के बीच बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। गांव में बड़ी बड़ी टहनियां गिरने से कई पेड़ भी उखड़ गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मार्ग को बंद कर दिया गया है और मलबा हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से अगले 24 घंटों तक घर के अंदर रहने की अपील की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कैंप आयोजित करने और आम लोगों की हर संभव मदद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, कृपया इस आपदा के दौरान लोगों की मदद करें और सुनिश्चित करें कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए।